दोस्तों, मेरा नाम मधुमिता है। मैं 18 साल की थी। गुलाबी गुलाबी होंठ, गाल पर तिल और एकदम गोरा रंग है। मेरे भाई का नाम गोपी है। वह भी मेरी तरह ही खूबसूरत है। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज जाती थी। मेरा भाई मुझे बाइक से कॉलेज छोड़ने के लिए जाया करता था। मेरा कोई पुरुष दोस्त नहीं था और ना ही मुझे दोस्त बनाने का शौक था। वेरी कॉलोनी के लड़के मुझको देखकर मेरे ऊपर फिदा हो जाते थे और बोलते थे कि यह माल मुझे एक बार मिल जाए तो मजा आ जाए, पर मैं उन लड़कों की बातों को सुनकर चुपचाप वहां से निकल जाती थी। लेकिन बाद में मैं उनकी बातों को याद करके सोचती थी और उससे मेरे मन की इच्छा जागृत हो जाती थी। मैं कभी कभी सनी लियोन की मूवी देखी थी। उस वक्त मैं सिर्फ अपने भाई के बारे में सोचती थी। एक बार रविवार के दिन मैं स्कूटी लेकर बाहर घूमने जा रही थी। कहाँ जा रहे हो? मैं बोली। कहीं नहीं, बस यही पास में जा रही हूं। मेरा भाई बोला, मैं भी चलूं? मैं बोली, आ जाऊं। मेरा भाई पीछे बैठ गया। उस दिन मैंने रेड कलर की स्कर्ट पहनी थी और मेरा भाई लोगों की शर्ट पहने था। मैंने स्कूटी और हम दोनों चल दिए। मैं स्कूटी तेज चला रही थी। ब्रेकर पर ब्रेक लगाया तो मेरा भाई मुझसे सर गया और वह मेरे पीछे अच्छी तरह से चिपक गया। मुझे कुछ अजीब सा हुआ, जैसे कोई अनजान लड़का मुझसे शर्ट गया हो। काफी दूर जाने के बाद भाई मुझसे बोला, रुक जाओ। मैंने स्कूटी को रोका और बोली, क्या हुआ? वह बोला, कुछ नहीं, सामने गोलगप्पे वाला है, चलो गोलगप्पे खाते हैं। मैं बोली, ठीक है, हमने गोलगप्पे का है। भाई बोला, और क्या खाओगे? मैं बोली, कुछ नहीं। फिर भाई बोला, चल अब तुम पीछे बैठे, स्कूटी मैं चला लूंगा। मैंने कहा, ठीक है। मैं भाई के पीछे बैठ गई। भाई भी तेज चलाने लगा। मैंने उसके कंधे को पकड़ लिया। भाई बोला, सही से पकड़ लो। मैंने और कस कर पकड़ लिया। अब मेरे को बार बार के पेट से अच्छे से सड़ गए। फिर मैंने अपना हाथ आगे करके भाई के पेट को पकड़ लिया। भाई ने पूछा, मजा आ रहा है घूमने में? मैंने कहा, हाँ बहुत मजा। कुछ देर बाद हम दोनों घर पहुंच गए। कुछ देर बाद मैंने खाना खाया और सो गए। मेरा भाई मेरे बगल वाले कमरे में सोता था। रात को लगभग 12 बजे वह मेरे कमरे में आया और मुझे जगाकर कहने लगा कि दिन भर जो हमने स्कूटी पर घूमते, वह सारी बातें मुझे याद आ रहा है और मैं रात में सो नहीं पा रहा हूँ, तो हम लोग को वह करें क्या? तो मैंने बोला, तो क्या बोल रहा है? ये सब तुझे कैसे हो सकता है, क्योंकि तू मेरा भाई है। और मैंने बोला, अगर कोई देख लेगा, ये जान लेगा, तो सोच हमारा क्या होगा। उसके बाद मैं भी सोचा, क्यों ना हो जाए, ना घर में तो कोई नहीं है। उसके बाद हम दोनों वह करने लगे जो हमें नहीं करना चाहिए था। वह मुझसे ऐसे चिपक गया जैसे पहले कभी मुझे कोई छुआ भी नहीं था। कुछ उसी तरीके से हम दोनों ने हमारे हसरतें पूरी कर ली और वह उसकी कमरे में चला गया। और जब भी हमें टाइम मिलता था तो हम दोनों अपना प्यार बुझा लेते थे। तो ऐसा को वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल अपने सब्सक्राइब करके जो उसे बेल आइकन को प्रेस कर लेना।